वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल में हम आपको डिटेल न्यूमेरिकल सॉल्यूशन बताएंगे जो कि एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं या जाएंगे। सबसे पहले आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे सोलर एनर्जी से, जो कि एक पार्ट है रिन्यूएबल एनर्जी। क्वेश्चन में जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जो कोई भी एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम पढ़ते हैं अपने टॉपिक जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन सोलर एनर्जी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को 2016 में यूजीसी नेट में पूछा गया और ये क्वेश्चन 2011 में भी पूछा गया था, बस उसमें थोड़ा वैल्यू का डिफरेंस था, 5% की जगह 2% था एंड 1000 की जगह 200 वाट पर मीटर स्क्वायर ऐसा वैल्यू उसमें था। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। अ सोलर पॉन्ड बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 5% एंड पावर आउटपुट ऑफ 500 मेगावाट। इफ द सोलर इंसुलेशन इज 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ सोलर पॉन्ड। सो जो जो हम इस क्वेश्चन में हमें वैल्यूज दी गई हैं, किस चीज की वैल्यूज दी गई हैं वो हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें पहले सबसे पहले 5% दिया गया है, वो है हमारा एफिशिएंसी। तो हम लेते हैं एफिशिएंसी इक्वल टू 5%। हमें दिया गया है 500 मेगावाट जो है पावर आउटपुट, तो हमने पावर आउटपुट इक्वल टू 500 मेगावाट लिख लिया। देन हमें 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर दिया गया, वो है हमारा सोलर इंसुलेशन। और हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है एरिया ऑफ द सोलर पॉन्ड। हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ द सोलर पॉन्ड। तो हम अब जाते हैं इसके, तो हम देख लेंगे यहाँ पे क्या क्या हमें फॉर्मूला टू बी यूज्ड, जो हमें फॉर्मूले इसमें जरूरत पड़ेगी। से पहला फॉर्मूला पड़ेगा हमारा जो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी हमने हमारा हो गया पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट इनटू 100। उसके बाद जो हमारा दूसरा फॉर्मूला इसमें यूज होगा, सोलर इंसुलेशन इक्वल टू पावर इनपुट डिवाइडेड बाय एरिया। तो इन दो फॉर्मूले की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके करते हैं। तो हमारा जो एफिशिएंसी है पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट, हमारा पावर इनपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी? SI इंटू एरिया। तो हमने PI SI इंटू एरिया को हमने क्या कर दिया, एफिशिएंसी के फॉर्मूले में PI हमने SI इंटू एरिया हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी। तो हमें पता है P नॉट, हमें पता है SI पता है, इंटू एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इस एरिया को एफिशिएंसी से चेंज कर लेंगे। बेसिकली एरिया यहाँ से इधर चला जाएगा एंड एफिशिएंसी नीचे आ जाएगी। तो हमारा जो एरिया हो गया वो हो गया पी नॉट एसआई इनटू एन। तो हमें पी नॉट यानी पावर आउटपुट की वैल्यू में गिवन है 500 इनटू 10^6 वाट। 10^6 हमारा कहाँ से आया? 10^6 आया हमारा 1 मेगावाट इक्वल टू 10^6 वाट। देन SI की वैल्यू हमारी है 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर और ये हमारा एफिशिएंसी वैल्यू है 5, हमने पुट डाउन कर दी। इसको सॉल्व करेंगे वाट से वाट कैंसिल, मीटर स्क्वायर जो हमारा है ये हमारा ऊपर चला जाएगा, देन हमारा जो जाएगा 10^7 मीटर स्क्वायर। तो आपको पता होगा 10^6 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 किलोमीटर स्क्वायर, दिस इज 10^7। तो हमारा जो आंसर आ गया 10 किलोमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो आप लाइक कीजिए। अगर कुछ क्वेरी रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछना, क्लियर करना ना भूलें। अगर आपको इसके अलावा किसी और टॉपिक पे डिटेल सॉल्यूशन चाहिए होगा एनवायरमेंट रिलेटेड न्यूमेरिकल का, तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम आपको उसका डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।